या टाटा, मतलब इतना क्या पैसा बचाना था भाई। देख रहे हो कितनी आवाज आ रही है, कितनी आवाज आ रही है यार, हद कर रखी है भाई इन लोगों ने। हे गाइस, कैसे हो यार। तो आज मैं लेके आया हूँ वो वीडियो जिसकी बहुत दिन से डिमांड थी, जिसकी बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी मेरे चैनल पर, वीडियो पर जो मैंने डाली थी फर्स्ट डिलीवरी की अपनी टाटा टियागो एक्सेड प्लस की। तो आज मैं इसके ऑनर रिव्यू देने वाला हूँ। बहुत ज्यादा कमेंट्स मुझे आई थी कि रिव्यू जरूर देना भाई गाड़ी का, की गाड़ी है चलाने में परफॉर्मेंस कैसी है। तो सब चीजों की ना बहुत कमेंट्स आ रही थी, तो मैंने सोचा एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाते हैं इसकी, इसके पॉजिटिव, इसके निगेटिव, क्या क्या इसमें फीचर हैं, क्या कुछ है, कितनी मुझे ऑन रोड पड़ी। अगर आप टाटा टियागो ले रहे हैं सीएनजी में तो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आज। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और मैं ना एक एक चीज डिटेल में रिव्यू में आपको बताऊंगा कि सच में ये चीज है या नहीं है, या फिर जो आप यूट्यूब पे जितनी भी आपने वीडियोस देखी हैं वो कहीं आपसे झूठ तो नहीं बोल रहे, उसके लिए आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा यार, क्योंकि झूठ बोल के मुझे कोई फायदा है नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो में हम पहले जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन इसमें नेगेटिव भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो सब भी मैं शेयर करने वाला हूं आपसे। जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो, अभी तक ये 2116 मतलब 2000 से ऊपर ये गाड़ी चल चुकी है। मैंने ये गाड़ी ली थी 4 मार्च को, उसके बाद में मैंने दो इससे बड़ी ट्रिप की है, लॉन्ग ट्रिप की है। पहली मैं गया था ऋषिकेश, दूसरा रिसेंटली मैं होके आया हूँ जयपुर। तो सारी कुछ जो मैंने मतलब भागा के दौड़ा के इसका एवरेज, इसमें क्या क्या इश्यू है, वो सब चीजें मैंने उस टाइम पे नोटिस की। तो मुझे हर चीज का पता है कि इसमें कहाँ पॉजिटिव चीज है कहाँ नेगेटिव चीज है। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जो कि पॉजिटिव है, पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं, वो है इसका एवरेज। तो मैंने इससे पहले मेरे पास थी अल्टो, और मेरे मतलब काफी मैंने फ्रेंड्स के पास भी देखी है जिन्होंने सीएनजी बाहर से लगवाई हुई है। परफॉर्मेंस वाइज अगर आपसे मैं बात करूं तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पता चलने वाला पेट्रोल और सीएनजी के अंदर, क्योंकि पिकअप जो है वो बहुत अच्छा है। अगर गाड़ी में 4 लोग भी बैठे हैं, क्योंकि हम 4 लोग गए थे घूमने, 4 लोगों पे भी गाड़ी एसी में बिल्कुल भी दबी नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता नहीं चला कि आप पेट्रोल पे चला रहे हो या सीएनजी पे चला रहे हो। लेकिन मुझे कई लोगों ने बोला कि नई गाड़ी है तो इससे भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कि नई गाड़ी में थोड़ी पावर अच्छी रहती है। बट पर्सनली मैंने इससे पहले जो है वैगनार भी चलाई है, i10 नियोस भी चलाई है, तो उनकी परफॉर्मेंस के इक्वल ही मेरे को ये लगी, क्योंकि i10 नियोस जो है सीएनजी में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है सीएनजी के अंदर। तो मुझे इसकी भी काफी अच्छी मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस लगी, क्योंकि दब नहीं रही थी बिल्कुल भी गाड़ी। मैंने ये वहां पे ऋषिकेश में काफी पहाड़ी एरिया पे भी चलाई थी, तो बिल्कुल भी दबी नहीं गाड़ी, और इजिली मतलब चली गई है, पहले दूसरे तीसरे गियर में मजे में एकदम चली गई, तो कोई इश्यू नहीं आया मेरे को। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो आप अगर गाड़ी को यार पकड़ते हो ना, यहां से भी आप पकड़ते हो गाड़ी को, तो पता चलता है कि आपने कुछ पकड़ा हुआ यार हाथ में। ऐसा डब्बे जैसी नहीं लगती है कि आप डब्बे में बैठ गए हो और डब्बा चला रहे हो, ऐसा नहीं है यार। गाड़ी को अगर आप पकड़ते हो हाथ में तो आपको पता चलता है कि हाँ यार आपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। तो बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, गेट क्वालिटी मटेरियल भी जो इसमें लगा हुआ है वो भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये टॉप मॉडल है तो इसलिए इसमें कुछ अलग चीजें भी दी हुई है, ड्यूल टोन में दी हुई है ये गाड़ी, और भी एक दो फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा है। तो मुझे तो वैल्यू फॉर मनी टॉप मॉडल ही लगी, क्योंकि बाहर से जो गाड़ियां ले रहे थे उसमें बाहर से जो लगवा रहे थे, यार कुछ भी बाहर से लगवा लो यार, जो कंपनी ने दिया हुआ है वो वाला मजा नहीं आने वाला है। तो दूसरा पॉइंट, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये क्लच देख रहे हो भाई, ये इतनी सॉफ्ट है कि इस पे पैर रखो तो नीचे चली जाती है आराम से, इतनी सॉफ्ट है ये। तो तीसरी क्वालिटी मेरे को ये ज्यादा अच्छी लगी इसमें, कि इसकी जो क्लच है वो बहुत ही इजीली यूज करती है, और कितने भी ट्रैफिक में आप हो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली कभी भी, ऐसे पैर नहीं दुखने वाला। तो ये बहुत आराम से काम करती है, बहुत बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। चौथी क्वालिटी है इसका म्यूजिक सिस्टम। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। 7 इंच का जो ये इसमें इन्फोटेक सिस्टम लगा हुआ है, बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत बहुत ही अच्छे से काम करता है, और जो स्पीकर और टूटर्स लगे हुए हैं इसमें वो भी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन एक जगह ये प्रॉब्लम देते हैं, वो मैं बताऊंगा कहां पर है। अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। होल्ड करने में बहुत बहुत ही ईजी है, थोड़ा मोटा है, मैंने इस पे वो कवर भी नहीं लगवाया अभी तक, वो लगवाऊंगा मैं, बट उसके बिना भी बहुत अच्छे से ये इसकी ग्रिप जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से यूज में आता है। जैसे आप चलाओ कहीं से रोड पे तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है,
तो इसे पकड़ के आप जब इसे चलाओगे तो पता चलता है कि भाई हाँ कुछ चला रहे हो, तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट है इसमें। क्योंकि मारुति में मैंने चलाई है गाड़ी, तो उसमें मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मैं सच बात बता रहा हूँ। ये इसका मेरे को ज्यादा पावर जो स्टेयरिंग है वो ज्यादा अच्छा लगा बाकी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सीट की। सीट बहुत कंफर्टेबल है बैठने में, अगर आप बैठोगे यहाँ पे, चाहे आप पैसेंजर सीट पे बैठ जाओ चाहे आप ड्राइवर सीट पे बैठ जाओ, आपको ऐसे थकान महसूस नहीं होती और ऐसे बिचा बिचा सा नहीं लगता सीट पे, तो काफी इजीली आप लॉन्ग ड्राइव भी कर सकते हो इस पे बैठ के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें बैठने में। ये एक प्लस पॉइंट है यार। अब बात करते हैं इसके एवरेज की, क्योंकि मैंने ये 250 किलोमीटर यहाँ से जब मैं ऋषिकेश गया था तब मैंने चलाई थी, ऊपर थोड़ी बहुत चलाई थी, उसके बाद मैं वापस आया हूँ। उसके बाद में मैं उसके नेक्स्ट वीक जयपुर गया था, तो वहां पे भी 250 के अराउंड मेरा एक तरफ का पड़ा। तो क्या कुछ एवरेज इसने मुझे दिया है वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने इसमें सीएनजी डलवाई थी, सरोजनी नगर मार्केट जो है दिल्ली में वहां पे एक सीएनजी पंप है, वहां से मैंने इसमें सीएनजी डलवाई थी। उसके बाद में हम आधा घंटा नोएडा में भी रुके थे, मेरा एक फ्रेंड वहां से आया था मेरे साथ में, तो वहां पे भी एसी चला के हम बैठे हुए थे गाड़ी में क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद भी हमने इसमें जो सीएनजी डलवाई है नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, वो डलवाई हमने हरिद्वार से आगे जाके, हरिद्वार से भी 15 किलोमीटर आगे जाके, मतलब ऋषिकेश से ऐसे ही 5-10 किलोमीटर पहले हमने इसमें जाके सीएनजी डलवाई थी। तो लगभग 220-225 किलोमीटर के आसपास ये सीएनजी पे इसने एवरेज दे दिया था एसी। तो मैंने एक एस्टीमेट निकाला था, तो मुझे ये 2.5 रुपए या 2.25 का इसने मुझे नॉर्मल एवरेज दिया था, तो कोई ज्यादा नहीं है यार। पेट्रोल की अगर बात करो तो 8 रुपए या 9 रुपए किलोमीटर पड़ता है, तो 2.5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आप एक गाड़ी को चला रहे हो जिसका मतलब पावर स्पीड सब कुछ अच्छी है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है यार, कोई ज्यादा कम नहीं है। और सिटी में भी चलाई थी मैंने, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था उस दिन। अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो ये मुझे नॉर्मल देती है 2 रुपए किलोमीटर का, तो 2 रुपए किलोमीटर का एवरेज कोई ज्यादा बुरा नहीं है, अच्छा एवरेज है। और सीएनजी के रेट भी बढ़ गए यार अभी, तो आप एस्टिमेट निकाल लीजिए। 68 रुपीज केजी के हिसाब से मैंने डलवाई थी इसमें, 8.5 केजी इसमें टोटल सीएनजी आई थी और 2 रुपए किलोमीटर के हिसाब से मुझे पड़ी थी, तो जो एवरेज निकल के आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं इसके पेट्रोल पे, जो इसने मुझे एवरेज दिया है। पेट्रोल पे मुझे इसने एवरेज दिया है टोटल, मतलब मैंने टोटल चलाई है 674 किलोमीटर, ये पेट्रोल पे भी चलाई है मैंने, और इसने मुझे 17 का एवरेज दिया है। ये एवरेज फर्स्ट सर्विस से पहले का है, तो उससे पहले ही मैंने पेट्रोल पे चलाई थी, फर्स्ट सर्विस कराने के बाद मैंने अभी तक पेट्रोल पे नहीं चलाई है। तो एवरेज फर्स्ट सर्विस से पहले बहुत ही अच्छा है, अगर ये एसी के साथ में है, मैं एसी के साथ में सारा एवरेज बता रहा हूं आपको, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है यार। मतलब पेट्रोल पे भी अच्छा एवरेज दे रही है और सीएनजी पे तो अच्छा दे ही रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एसी की, एसी की परफॉर्मेंस कैसी है वो भी बता देता हूँ। अगर आपका टेम्परेचर 35-38 भी है और आपने सिर्फ ये 2 पे किया हुआ है, मतलब ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें, अगर आपने 2 पे भी किया हुआ है तो आपको ना, मैं सच बात बता रहा हूँ, गर्मी लग नहीं सकती है गाड़ी के अंदर, इतना कूलिंग करती है, बहुत अच्छे से कूलिंग करती है। इससे पहले मैंने टाटा टियागो देखी थी एक फ्रेंड के पास में, वो कूलिंग नहीं कर रही थी, तो मेरे को भी यही लगा था कि शायद इसका कूलिंग इतना अच्छा नहीं है, बट जब मैंने चलाई है ये पर्सनली, इसका कूलिंग सिस्टम भी मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये भी बहुत अच्छे से काम करता है, फंक्शनल है ये भी और अच्छे से ही आपको मेंटेन करके रखता है ये जो क्लाइमेट है आपकी गाड़ी का। सो बहुत लोगों को ना डाउट हो रहा था यार एक चीज का, कि सीएनजी गाड़ी है इसमें सिलेंडर लगा हुआ है पीछे, तो शायद हमारा बिल्कुल भी लगेज नहीं आएगा। तो मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं ट्रिप पे गया था, तो यार ट्रिप पे जाओगे ऑफकोर्स 4 लोग हो, सामान तो होगा ही ना, और 4 लोग है तो सामान कहाँ रखेंगे आगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सामान ज्यादा था। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसके सिलेंडर के नीचे, जो आपको पता ही है सीट पीछे करके, ये वाली सीट है, पीछे करके आप इसमें सामान रख सकते हो। तो मैंने क्या क्या रखा था, मैंने एक 10 लीटर वाली पानी की जो बोतल होती है वो रखी थी, मैं हमेशा ट्रिप पे अपने साथ लेके चलता हूँ पानी, तो वो मैंने रखी थी। एक मैंने इसमें बैग रखा था वाइल्ड क्राफ्ट का, जो वो बड़ा बैग होता है वो रखा था, और एक लैपटॉप बैग। उसके बाद भी इसमें थोड़ी सी जगह बच गई थी, तो जगह तो काफी है, आप रख सकते हो। एक अमेरिकन टूरिस्टर वाले बैग होते हैं वो आप नहीं रख सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल बैग होते हैं, पिट्ठू बैग जिन्हें हम बोलते हैं, उस टाइप के आप 3-4 बैग भी आराम से रख सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यार, कि सिलेंडर के साथ साथ आपको स्टोरेज भी मिल जाती है जिसमें आप अपना सामान भी रख सकते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। गाइस सारी मैंने अच्छी बातें कवर कर ली है ऑलमोस्ट, कोई रह गई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जवाब दे दूंगा। अब मैं इसके निगेटिव पॉइंट्स पे आता हूँ, जो कि बहुत रहे हैं, ठीक है। तो पहला नेगेटिव पॉइंट जो है वो है इसका केबिन नॉइस। जी हाँ भाई, गाड़ी स्टार्ट कर लो,
सच में जैसे वो मजाक उड़ाते हैं ना कि ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया, वो वाली फीलिंग तो नहीं आती, लेकिन केबिन नॉइज जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप अगर गाड़ी नॉर्मल खड़े भी रखोगे विदाउट एसी भी, तब भी आपकी जो है केबिन नॉइज अंदर आने वाली है बहुत अच्छे से। मैंने ये 100 भगाई थी, 100-110 भगा रहा था मैं इसे हाईवे पे। उसके बाद मैंने गाने भी चलाए हुए हैं इसमें, एसी ऑन था मेरा, बट केबिन नॉइज फिर भी मुझे सुनाई दे रही थी ईजिली। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी के अंदर। यार इतने पैसे मैंने 8.5 लाख रुपए कोई खर्च कर रहा है गाड़ी के अंदर और उसे केबिन नॉइज सुनाई दे अच्छे गाने की जगह, तो वो अच्छी चीज़ नहीं लगती यार। तो इस चीज़ पे टाटा को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और आपको भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 3 सिलेंडर गाड़ी है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा भाई। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है ये, आपको दूर से देखने में अलॉय व्हील लग रहा होगा लेकिन ये स्टील रिम है जो कि उसी शेप में कटा हुआ है जिसमें वो एक अलॉय व्हील आता है। तो यार इतना पैसा क्या बचाना था यार टॉप मॉडल में, एटलीस्ट अलॉय व्हील दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, बट सोचा आप लोगों को बता दूँ ये चीज़। नेक्स्ट बात करते हैं यार इसके कैमरे की। कैमरा क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कभी कभी लैग भी करता है। आप जैसे गाड़ी अगर रिवर्स कर रहे हो तो उसमें ना कभी कभी लैग भी कर देता है और उसकी वजह से थोड़ा डर भी रहता है कि कोई पीछे अगर चीज़ आ रही है तो वो शायद नहीं एकदम से दिख पाएगी। या टाटा मतलब इतना क्या पैसा बचाना था भाई, 8.5 लाख रुपए किसी बंदे ने खर्च किए और तुम उसे ऐसा कैमरा दे रहे हो, यार शर्म करो थोड़ी सी तो यार। नेक्स्ट बात है यार इसके अंदर ना कैमरा दे दिया टॉप मॉडल के अंदर, पार्किंग सेंसर हटा दिया, जो कि मुझे समझ में नहीं आया क्यों किया है भाई। पार्किंग सेंसर तो बहुत ज्यादा जरूरी है यार, क्योंकि कैमरे की एक्चुअली क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, ऊपर से तुम लोगों ने पार्किंग सेंसर भी हटा दिए, तो थोड़ा समझ में नहीं आता ये चीज़ यार क्यों किया है ऐसा। अब नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ उससे ना काफ़ी लोगों का दिल दुखने वाला है यार, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। और मैंने जब टाटा की गाड़ी ले रहा था उससे पहले मैंने खुद भी काफ़ी वीडियोस में देखा था, तो बट मुझे लगा था कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं होगा शायद, बट टाटा तो भाई माहिर है इन चीज़ों में, उन्हें बस गाड़ी की डिलीवरी देनी है क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा हो रखी है अभी, तो फिनिशिंग पे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी जगह इसमें फिनिशिंग गैप है जो कि नहीं होना चाहिए था नई गाड़ी के अंदर, यार कौन ऐसे करता है भाई। तो मैं दिखाता हूँ आप, सबसे पहले ये वायरिंग देखो यार कितनी गंदी लग रही है, यहाँ पे नीचे देखोगे ना सबसे पहले इन्हीं पे नजर जाती है भाई। ये हो गई एक, ठीक है ये इस पे नजर जा रही है आपकी, मेरी काफी दिन बाद इस पे नजर गई थी, मतलब मेरे को पता ही नहीं चला था कि ये ऐसी कुछ फिनिशिंग है यार, इतनी गंदी फिनिशिंग की हुई है भाई। मतलब गाड़ी में नई गाड़ी को देख के ना ऐसे मन नहीं करता यार कि ये नई गाड़ी है। ये देखो ये क्या किया हुआ है यार टाटा ने, मेरे को समझता नहीं यार ये क्या किया हुआ है ना, बट जो है भाई ठीक है अब ले लिया गाड़ी, अब क्या कर सकते हैं इसमें, कोई चेंज थोड़ी ना करके देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यार इसकी हेडलैम्प्स की, जो इसमें दिए हुए हैं हेलोजन है और एक एलईडी है टॉप मॉडल में, लेकिन थ्रो बेकार है यार। मतलब मुझे थ्रो में उतना मजा नहीं आया क्योंकि फॉग लैंप तो बिल्कुल ही बेकार है, मतलब फॉग लैंप ना भी देते तो भी बेटर था यार, क्योंकि इनका कुछ काम ही नहीं है इसमें। वो उससे अगर आप फॉग लैंप जला लोगे ना आपको कुछ नहीं दिखाई देने वाला भाई, कुछ नहीं दिखाई देने वाला। मैंने खुद ट्राई किया ये चीज़, फॉग लैंप जला के भी देखे हैं बट कुछ दिखता नहीं है भाई आगे का। वो फॉग लैंप मतलब इतनी नहीं होती उनकी थ्रो, बट यार थोड़ी तो थ्रो दे देते ना यार, मतलब वो शौक के लिए दिए हैं क्या, दिखाने के लिए कि बस बल्ब लगा के दे दिए, तो वो एक चीज़ बहुत बेकार है यार इसमें। तो इसके लिए तो बहुत मैं मतलब इतना डिसअपॉइंट हूँ ना इस चीज़ से कि यार बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। नेक्स्ट मैंने आपसे बोला था कि इन्फोटेक सिस्टम में थोड़ा सा इशू है, वो मैं बता देता हूँ। जब आप इसे चलाओगे 12-13 तक, मतलब आपने 13-14 तक इसका वॉल्यूम किया हुआ है तब तक ये ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप जैसे ही इसका वॉल्यूम बढ़ाते हो यार स्पीकर ना फटने लगता, ऐसे डर लगता है कि स्पीकर फट जाएंगे ये, क्योंकि दम दम दम। वो मैंने सेटिंग भी अच्छे से की हुई है बट फिर भी मेरे को इतना मज़ा नहीं आता जो आना चाहिए। देखो फिनिशिंग, ये देखो फिनिशिंग क्या निकल रहा है, ये फिनिशिंग है। एक गैप ना यार इसमें पिकअप में भी है, आप अगर पहला गियर डालोगे इसमें और इसे आगे बढ़ाओगे ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा लैग है इसके पिकअप में, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक चलती है। तो यार सोचा थोड़ा सा बता दूं क्योंकि ये कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं, टाटा की सभी गाड़ियों में ये इशू है। तो पिकअप में थोड़ा सा जब आप पहला गियर डाल के आप क्लच छोड़ते हो तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा ये लैग करता है, उसके बाद में अच्छे से काम करता है। यार फ्रंट तो बिल्कुल ठीक है गाड़ी का, बहुत कंफर्टेबल है बैठने में भी, ड्राइवर के लिए भी पैसेंजर के लिए भी, लेकिन रियर की अगर बात करो तो दो लोगों के लिए ठीक ठाक स्पेस है, तीसरा बंदे को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब देख लो आप अगर कि आपकी फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो उनके लिए ये कंफर्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि 3 लोगों को ना फंस के ही बैठना पड़ेगा, ईजिली तो नहीं बैठ सकते क्योंकि इतना इसमें लेग रूम है नहीं पीछे बिल्कुल भी, तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा यार। तो यार अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे जहां पे सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा भाई कितने की पड़ी, कितने की पड़ी, कहां से ली, कैसे ली। सब मैं बता देता हूं कितने की मुझे पड़ी है, कहां से मैंने ली है, कैसी है गाड़ी।
तो ओवरऑल अगर मुझे 5 स्टार में से रेटिंग इसे देनी हो तो बिल्ड क्वालिटी में तो मैं इसे 5 से 5 दूंगा, उस मामले में तो कोई इसमें इशू है ही नहीं। लेकिन बाकी अगर सारी चीजों को कंपेयर करो तो मैं इसे 5 में से 3 स्टार ही दूंगा यार, क्योंकि ये गाड़ी 8.5 लाख रुपए में उतनी वर्थ इट नहीं है जितनी इसकी हाइप बनाई हुई है मार्केट में। इससे अच्छी आपको गाड़ी मिल सकती है, हुंडई में आप जा सकते हो, मारुति में भी जा सकते हो, बलेनो आई है पेट्रोल में यार, अगर आपकी रनिंग इतनी ज्यादा नहीं है तो उसे ले लो, वो ज्यादा बेटर है इसके मुकाबले। अगर बिल्ड क्वालिटी नहीं चाहिए आपको तो मैं फिर से जोड़ रहा हूं ये चीज, तो उसके हिसाब से मैं इसे 3 स्टार देना चाहूंगा। अब मैंने ली कहां से ये गाड़ी वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने ये गाड़ी ली है गुड़गांव से ZX से, ZX टाटा शोरूम है सोना रोड पे, वहां से मैंने गाड़ी ली है। और जो सेल्स पर्सन थे उनका नाम है दीपक भारद्वाज, बहुत ही अच्छे बंदे हैं यार। अगर आप ZX से गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो उनसे ले लेना यार, मेरा रेफरेंस है और ये विदाउट एनी चार्ज है यार, मेरा कोई कमीशन नहीं जुड़ा हुआ, तो बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। आप एक बार जाके मिलना, आपका ना मन ऐसा हो जाएगा कि मुझे गाड़ी लेनी है तो यहीं से लेनी है वरना नहीं लेनी है, तो बहुत हेल्पफुल है। तीसरा, जो दीपक जी हैं, मैंने उनसे स्टार्टिंग में बोल दिया था यार कि थोड़ा डिस्काउंट करा देना यार, तो क्योंकि भाई पहली गाड़ी है मेरी जो मैं खुद की कमाई से ले रहा हूं यार, तो उन्होंने भी काफी हेल्प की मेरी। तो इसमें मुझे जो ये गाड़ी थी वो थी उस टाइम पे 851 की, 851,000 की थी, अभी इस पे 3,000 रुपए और बढ़ गए। तो ये मुझे गाड़ी पे उन्होंने 12,000 रुपए की एक अलग डिस्काउंट दिया था जो कि था CNG सब्सिडी का, तो वो मुझे एक डिस्काउंट मिला था। उसके बाद इंश्योरेंस में भी उन्होंने मेरे 8,000 रुपए, 8 से 9,000 रुपए कम कराए थे। उसके बाद में पता नहीं 1-2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया था या नहीं दिया था। तो बाकी मुझे ये कट कटा के मुझे ये पड़ी थी गाड़ी 8,32,000 रुपए की, जो कि मुझे कहीं से भी कहीं ज्यादा नहीं लग रहा, क्योंकि जितने लोगों से मैं पूछ रहा हूं भाई कितने की लिए तो सब 8.5 लाख ही बोल रहे हैं, 8.5 लाख में लिए, 851 में लिए, 855 में लिए, तो ऐसे सब बोल रहे हैं। तो 831 में मेरे को ये पड़ी थी ऑन रोड। मैं खुश हूं इस चीज में कि यार मुझे डिस्काउंट मिल गया CNG गाड़ी पे, जो कि कहीं भी नहीं मिल रहा पूरे ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं भी किसी भी डीलर से पूछ लो कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो दीपक जी की ये थोड़ी सी अच्छाई मान लो मेरे लिए या कुछ भी मान लो यार, तो उन्होंने डिस्काउंट दिला दिया था जिसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। और बाकी ओवरऑल गाड़ी चलाने में सही है यार, कोई इतना बुरा नहीं है। आपकी पहली गाड़ी अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आप कंसीडर कर सकते हो, बट उन यूट्यूबर से बचना यार जो यूट्यूब पे कुछ भी बोलते हैं भाई आके कि ये है भाई वो है, तो ऐसा इतना कुछ नहीं है भाई, मैंने आपको डिटेल में बता दिया सब कुछ। कोई क्वेश्चन रह गया मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ऑनेस्टली आपको रिव्यू दे दूंगा उस चीज का, रिप्लाई दे दूंगा मैं आपको ऑनेस्टली, क्योंकि यार मुझे झूठ बोल के कुछ मिलने वाला है नहीं। वो लोग तो उनको तो पेमेंट मिलती है भाई डीलर की तरफ से, तो थोड़ा वो सोच समझ के ही बोलते हैं, तो मेरे साथ ऐसा कुछ है नहीं। बाकी गाड़ी यार ठीक है, अच्छी चल रही है, अभी 2000 किलोमीटर चलाई है, बाकी जिस दिन 10,000 किलोमीटर हो जाएगा उस दिन मैं आपको एक रिव्यू और दे दूंगा गाड़ी का कि अभी परफॉर्मेंस कैसी है। सो यार अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और यार अगर आप नए आए हो ना तो वो रेड कलर का एक वहां पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा यार, उसे क्लिक कर देना भाई, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल रहेगा मेरे लिए कि आगे भी मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूं गाड़ी के लिए, ताकि आपको ना चॉइस करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, वो फालतू की वीडियो देख के आपका दिमाग खराब ना हो, एक नॉर्मल एक वीडियो देख लो तो आपका जो दिन बन जाए और उसी हिसाब से आप जो है काम कर पाओ अपनी गाड़ी लेने के लिए, अपनी ड्रीम कार के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। यार देखो ये देखो फिनिशिंग, ये कैसे हटी हुई है यहाँ से, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार इसको देख के, ये देखना कैसी हो रही है। एक बाहर से भी दिखाता हूँ आपको मैं, इसकी भी फिनिशिंग अच्छे से नहीं दी हुई यार इन्होंने, ये मैंने बाद में ठोक पीट के की है थोड़ी सी ठीक, बट यहाँ से देखो ये कैसी हो रखी है यार, तो बिल्कुल भी फिनिशिंग पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया यार टाटा ने। इधर से भी सेम है ये, इधर से फिर भी थोड़ी ठीक है बट उधर से तो बहुत ही ज्यादा गंदी है। मैं ना यार एक काम करता हूँ, वाइब्रेशन ना आप लोगों को सुनाई देता हूँ, एक बार आपको महसूस भी हो जाएगी कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा यार। तो मैं एक बार ये क्लस्टर ऑन कर देता हूँ इसका, और आप देखना स्टार्ट होने के बाद में कितना इसमें कैबिन नॉइस आता है, देख रहे हो आवाज आ रही है आपको, ये इस पे भी वाइब्रेशन है, इस पे भी वाइब्रेशन है, इस पे भी वाइब्रेशन है, विदाउट AC है ये, अभी विदाउट AC ये सब ये हाल हो रहा है इस गाड़ी का। और अभी लिए हुए से मुझे अभी 16 दिन हुए हैं बस, अभी लगा लो आप अगर जिस दिन इस गाड़ी को लिए हुए मुझे 1 या 2 साल हो जाएगा, ये ऐसे 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 ना हिलने लग जाए, मेरे को डर ही लग रहा है यार। तो
तो पता नहीं क्या है, मैंने बोला था सर्विस सेंटर वालों से भी, मैं जब इसकी फर्स्ट सर्विस कराने गया था तो उन्होंने बोला सर नॉर्मल है, 3 सिलेंडर गाड़ी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार मेरे को सीट तक पे, मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं जहाँ बैठा हूँ ना सीट पे, मेरे को यहाँ तक वाइब्रेशन की इसकी आ रही है यार, तो विच इज नॉट गुड एट ऑल यार। थोड़ा सा काम करो यार टाटा इस पे, अगर वीडियो देख रहे हो यार तो क्या दे रहे हो भाई, क्या दे रहे हो, 8.5 लाख रुपए में बलेनो मिल रही है, बहुत बढ़िया, आवाज नहीं आती उसमें से बिल्कुल भी, और इसमें ये हाल हो रखा है, यहाँ पे भी वाइब्रेशन, यहाँ पे भी वाइब्रेशन, सीट पे भी वाइब्रेशन, क्या थेरेपी दे रहे हो क्या? और इसमें तो टुक 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 पता नहीं क्या आवाज आती रहती है इंजन में से जब इसे स्टार्ट करो यार, तो ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और सर्विस सेंटर पे जब मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस करवाई है ना, तब से इसके पता नहीं ये बैक वाले शीशे ना, इनमें से आवाज आती है खर 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 इस तरह की, तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं भाई ये लोग। देख रहे हो कितनी आवाज आ रही है, कितनी आवाज आ रही है यार, हद कर रखी है भाई इन लोगों ने। और इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूं तो वो बहुत अच्छे हैं यार, बहुत ही अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम है, एकदम गाड़ी जम सी जाती है, ऐसा नहीं कि फिसल रही है इधर उधर जा रही है, वो चीज नहीं है, एक जगह ही, मतलब अगर सीधी जा रही है तो सीधे पे ही रुक जाएगी, तो आपकी सेफ्टी के लिए वो बहुत अच्छी चीज है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यार इसमें।